ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मूर्ति बन गई थी कि वो प्रैक्टिकल में देवी लगती थी और बहुत निर्माणचित थी, बहुत सरल थी। तो मैं तो कभी कभी कहती थी, दादी आप जो है ना तपस्या आप करते हो और फल हमको मिलता है। बोली वो कैसे? हमने कहा गेहूं के खेत को कोई सब पानी देते हैं और बथुआ को कोई पानी नहीं देता है, लेकिन बथुआ को पानी गेहूं से मिल जाता है और वो तंदुरुस्त हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली खाद पानी लेता है। इसलिए आपके संग का मुझे बहुत अच्छा फायदा है, तो मेरा भी आपके साथ साथ उद्धार है। और दादी जी से कहते थे, दादी जी देखो ऐसा है कि जैसे आप तो निकली हैं गंगा जो है गंगोत्री से, कैलाश पर्वत से, तो वो पहाड़ों से आते टकराते टकराते आप हरिद्वार तक आए, तो जब वो चलती हैं गंगोत्री से तो उसमें से कुछ पत्थर भी उनके साथ चल पड़ते हैं, तो वो पत्थर चलते 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 हरिद्वार तक आते आते वो इतने चिकने हो जाते हैं कि उनको लोग ठाकुर जी कह के ला करके अपने घर में पूजा करते हैं। क्योंकि अगर गंगा नदी झपेड़े ले रही है तो पत्थर भी साथ में उसके थपेड़े खा रहा है। तीसरा, हम दादी के साथ कभी कभी प्यार से बैठ के मजाक में हंसी बातें करते थे। तो ऐसा है कि मुझे तो आपके साथ रहने का बहुत फ़ायदा है।